सीधा आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के जहांगीरपुरी, जहां पर सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है इस समय। आपको बताते हैं लगातार यहां पर पार्टियों का आना जाना हो रहा है, यहां पर बुलडोजर कार्रवाई भी हुई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। दिल्ली दंगों के बाद ये कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद लगातार डेलीगेशन पहुंच रहे हैं यहां पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर है, के न्यूज आपको दिखा रहा है। और आपको बता दें दिल्ली के जहांगीरपुरी से शुरू हुए दंगों की सियासत पूरे देश भर में फैल गई है। इससे पहले वृंदा करात यहां पर पहुंची थी, एएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यहां पर पहुंचे हुए थे, उन्हें रोक दिया गया था, आगे नहीं जाने दिया गया था। और उसके बाद आज सपा का डेलीगेशन भी पहुंचा, कल कांग्रेस का डेलीगेशन भी पहुंचा था। एक्सक्लूसिव तस्वीर है, के न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचा है सपा का प्रतिनिधिमंडल। वहां भी बोली अभी आपको बता दें सपा का 5 सदस्यीय डेलीगेशन दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीर है, के न्यूज आपको दिखा रहा है दिल्ली के जहांगीरपुरी से। पांच सदस्यीय डेलीगेशन इस समय दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचा हुआ है। जहांगीरपुरी को लेकर पूरे देश भर में राजनीति हो रही है, सियासत गर्मा चुकी है। और उसके बाद लगातार पार्टियों के डेलीगेशन यहां पर पहुंच रहे हैं, कल कांग्रेस का डेलीगेशन यहां पर पहुंचा था, अभी आने वाले हैं उनसे आप, और आज सपा का डेलीगेशन यहां पर पहुंचा हुआ है। उजाड़ दिया गया उनकी दुकानें और उनके ठेलों को तोड़ दिया गया। क्या ठेले भी अतिक्रमण करते हैं, कभी सुना है आपने? अब आगे चलो भाई, लेकिन इस पूरे मामले में सर ये बात है, दंगे के बाद कैसे याद आया अतिक्रमण का? ये नफरत की कार्रवाई है, एक तरफा के नहीं कह सकता मैं, नफरत की कार्रवाई है। सर अब आप लोग आए हैं तो किस पीड़ितों से मुलाकात करेंगे? पुलिस तो जाने नहीं दे रही आपको। कोशिश करेंगे मिलने की। सर इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री है, लेकिन उसके बावजूद ना पीड़ितों से मिलने आए, ना कोई मुलाकात की वोट बैंक। ये आप उन्हीं लोगों से पूछिए, ये मेरा सवाल नहीं है। आम आदमी सर पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है? यहाँ रोका जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, इसके आगे जाने नहीं देंगे। अब हम तो कोशिश करेंगे, हमारा काम हम तो देखने आए हैं। आप कमेंट, वहाँ पे एक मंदिर तोड़ दिया गया बुलडोजर चला के, अलवर में एक मंदिर तोड़ दिया गया बुलडोजर चला के, बिल्कुल गलत है ना। कोई भी धार्मिक स्थल को बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ये हमारे अपना नजरिया है। आस्थाओं के ऊपर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए, पता नहीं कौन सी सरकारें हैं, हमारी समझ में नहीं आता। सर बुलडोजर की कार्रवाई का आप लोग यूपी में भी विरोध करेंगे, वहीं से शुरुआत हुई है पूरे देश में इस चीज की। देखिए विरोध सबसे ज्यादा जुडिशियरी को करना चाहिए, जुडिशियरी खत्म हो रही है। अब फैसले जो है अधिकारी लेंगे, वो सजा भी अधिकारी सुनाएंगे। पूरी दुनिया में क्या कहीं ऐसा हुआ है? कभी हुआ बता दिए, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। सर फिलहाल बुलडोजर से ही हटाया जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी? सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है, पहले से लगी हुई है, पार्लियामेंट से बिल पास हो चुका है, 2023 तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। लेकिन मुझे आप ये बता दो, वो जो गरीब ठेला चला रहा है, दो वक्त की रोटी कमा रहा है, ठेला तो मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो भी अतिक्रमण में आता है। क्या आप लोगों ने अपनी टीवी पे दिखाया इस बात को कि इस ठेले को भी तोड़ दिया गया, उस गरीब को भी बर्बाद कर दिया गया? कैसे वो दो वक्त की रोटी अपनी कमाएगा? सर ऑर्डर आ गया था, उसके आधे घंटे बाद बुलडोजर चलता रहा, जैसे ही मस्जिद टूट गई उसके बाद कहा गया ऑर्डर आ गया, मंदिर नहीं तोड़ा गया। मैंने कहा तो नफरतों की कार्रवाई है,
ये आप देखें कितने पे साहब यहाँ कहा जा रहा है बीजेपी द्वारा कि ये जो गलत निर्माण थे वो तोड़े गए क्यों ठेले भी गलत निर्माण होते हैं क्या चार पहिया ठेला भी तोड़ दोगे गरीब आदमी अपनी रोटी नहीं कमाए तुम तो कुछ दे नहीं सकते जो वो कमा रहे हैं अपने बच्चों को पाल लिया है उसको भी तोड़ दोगे ये जुल्म इंसानियत के ऊपर हो रहा है गरीबों के ऊपर हो रहा है चले हसन साहब ये कह रहे हैं हमारे साथ एसपी हसन साहब हैं हसन साहब सपा का डेलीगेशन से क्या कुछ कहेंगे किस लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हैं हम ये देखने आए हैं कि जुल्म किस नौइयत का हुआ है इन गरीबों के ऊपर जबकि रोक लगी हुई है पार्लियामेंट से बिल पास हो चुका है जैसे वक्त सीलिंग हो रही थी आपको ध्यान होगा बिल पास हुआ था उसके बावजूद ये इस तरह से कार्रवाई की गई ये सिर्फ नफरतों की कार्रवाई हुई है किस वक्त पे हुई है आप भी देख रहे हैं कैसे अभी हंगामा हुआ था जुलूस के ऊपर उसके बाद ये कार्रवाई हुई अभी पूरे दिल्ली में क्यों नहीं हो रही कार्रवाई सैनिक फार्म में क्यों नहीं होती है और बहुत सी जगह मुझसे ज्यादा आप जानते हो सरकार से क्या कहेंगे सर सरकार क्या कहेंगे पूरी दिल्ली में बहुत है अवैध अतिक्रमण सिर्फ यहीं पे नहीं है सिर्फ इसे क्यों टारगेट करा जा रहा है सरकार से क्या मांग करेंगे अतिक्रमण ठेले भी करती क्या मैं मेयर रह चुका हूँ मुझे मालूम है मूविंग ठेले कोई अतिक्रमण में नहीं आती साहब सरकार के लिए क्या कहेंगे सरकार से क्या मांगे आपकी सरकार से हम यही कहेंगे कि सरकार से यही डिमांड है कि आप रहम कर दो इन गरीबों के ऊपर इनको जीने दो इनको रोजी रोटी कमाने दो इनको अपनी जिंदगी सही से गुजारने दो लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप लोग सभी जो है यहाँ राजनीति कर रहे हैं ये बुलडोजर राजनीति हो रही है हम नहीं कर रहे राजनीति भाई अब नहीं जानते तो अभी आपने सुना सपा सांसद एसटी हसन को जहाँ पर उन्होंने बड़े आरोप लगाए उन्होंने कहा है कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है अधिकारी फैसला ले रहे हैं जुडिशरी पर से भरोसा उठता जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि ठेला एक मूविंग एसेट है जिसको अतिक्रमण के अंदर नहीं आता है वो भी मेयर रह चुके हैं उन्होंने कई तमाम आरोप लगाए एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज आपको दिखा रहा है जहां दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचे हैं सपा के 5 सदस्यीय डेलीगेशन जहां पर सपा सांसद एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने बड़े बयान दिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी सरकार और इस तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी के जहां सपा का 5 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंचा हुआ है एक्सक्लूसिव तस्वीर है के न्यूज आपको दिखा रहा है जहां दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचा है सपा का डेलीगेशन बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली के जहांगीरपुरी से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस बल भी मौजूद है दिल्ली का जहांगीरपुर इलाका है जहां पर दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन दंगे भड़के थे जिसके बाद लगातार पार्टियों के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के डेलीगेशन यहां पर पहुंच रहे हैं कल AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यहां पर पहुंचे हुए थे लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया उससे पहले वृंदा करात भी यहां पर पहुंची हुई थी कल कांग्रेस का भी डेलीगेशन यहां पर पहुंचा था और आज सपा का 5 सदस्यीय डेलीगेशन यहां पर पहुंचा है सपा के सांसद एसटी हसन भी यहां पर मौजूद है पुलिस बल भी यहां पर तैनात है और आपको बता दें जिस दिन यह कार्रवाई शुरू हुई थी बुलडोजर की उसकी कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया था कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए और आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी आज सपा का 5 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंचा हुआ है
यहाँ पर सपा सांसद एसटी हसन ने भी अपने बयान दिए हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, ये कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है और लोगों की रोजी रोटी को भी छीन रही है। लगातार यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के डेलीगेशन पहुंच रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन दंगे भड़के थे, पत्थरबाजी हुई थी, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई हो गई। यहाँ पे अंदर जाने नहीं जा रहा अभी हमारी बात नहीं हुई है। हमारा प्रयास है कि वो हमें अंदर जाने दें और जो पीड़ित लोग हैं जहांगीरपुरी के, उन लोगों से हमें बात करने दें, उनकी स्थिति हमको जानने दें। यहाँ कितना विध्वंस किया है बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी की सरकार ने या एमसीडी ने, हम उसको देखना चाहते हैं।